हो चुकी है, तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान, ए अल्लाह तेरी बात करते हैं और तुझे मदद मांगते हैं। तो भी बस हमारे कस्टमर आ चुके हैं, हमारा सबसे पहला कस्टमर ये भाई आ गया है। भाई कस्टमर को दे रहे हैं हम वायर, बैटरी का वायर चाहिए। तो लो भाई आ गए। भाई भाई बताओ गाड़ी क्या है, सही है नहीं है क्या? भाई यकीन करो आप पेट्रोल दे डबल मजा आए। हाँ बस आप मुतमिन हो? जबरदस्त। तो हमारे व्यूवर्स को बताओ ये काम क्या है, कैसा लगा आपको? सारा दिन लोकली चलाई है माशाल्लाह, मतलब आधा किलो से भी कम में मतलब सारा दिन मेरा चला है। मतलब 150 रुपए की गैस आपने डलाई और 125 गाड़ी पूरा दिन चलाई है? सारा दिन चलाना उसी जगह पे, अगर मैं पेट्रोल डलवाऊँ ना 400-500 का डलवाऊँ, 400-500 का। तो व्यूवर दिए है रिव्यू हमारे जो है सुल्तान भाई के कमेंट से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना वो यूज करने वाले यही है, क्योंकि इनकी जो है ना वो जमीन वगैरह है तो आगे पीछे बहुत दिन का भागना होता है। बड़ी रनिंग में और जो है ना एवरेज इसकी अच्छी होगी यार। ये तो 125 है, 70 जो है ना वो इससे और कम देगी और तो वही माशाल्लाह होगी। यार आबिद भाई अपने सारा का सारा सामान या चूल्हा वगैरह बाहर निकाला हुआ है। भाई आबिद भाई आज मेहनत का काम कर रहे हैं। भाई शापर वगैरह सारी चेंज करेंगे, क्योंकि शापर जो है ना वो थोड़ी पुरानी हो गई है, धूप में जो है ना रह रहे के पीली हो गई है। आबिद भाई नई शॉपर लगा रहे हो माशाल्लाह थे। और आबिद भाई का जो रेड़ा है वो एक जगह से टूट गया है, इस वजह से आबिद भाई ने सारा का सारा सामान जो है ना यहाँ पे रख दिया है। वो रेड़े में पता नहीं वेल्डिंग करवा रहे क्या करवा रहे, और नया माल माशाल्लाह थे। आबिद भाई दो और भी ले आए, ये फली वगैरह दो बोरियाँ और भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई का काम जो है ना चल गया भाई। तो एक एक थैली करके सारी की सारी थैली हम चेंज कर देंगे, पहले सबसे पहले चने की किए, अब सारी थैलियाँ चेंज करके फिर आपको बताएंगे कैसे लग रहे चने वगैरह। आप लग रहे हैं कि भाई फ्रेश माल है आबिद भाई। तो यार चलते हैं हमारे गुलशेर भाई की तरफ। आबिद भाई की रेड़ी का पता नहीं क्या वो काम कर रहा है या तोड़ रहा है या वेल्डिंग कर रहा है, मुझे नहीं पता। देखते कौन सा टांगा टूटा है। ज़्यादातर तो रेड़ियाँ लकड़ी की होती है, पर नीचे का फ्रेम उसका लोहे का होता है। भाई ये किधर गया गुलशेर भाई? वेल्डिंग? अबे भूत नहीं गए, ये वेल्डिंग की दुकान तो ये है। तो वेल्डिंग करवाने कहाँ गया है? बाजार में गया। यहाँ पर लाइट नहीं है इसलिए। आबिद भाई आपका रेड़ा तो है ही नहीं गुलशेर भाई के पास? अरे वो पीछे खड़ा हुआ है, पीछे काम कर रहा। अच्छा पीछे काम कर रहा हुआ, वहाँ यहाँ पर तो लाइट नहीं है ना। तो आबिद भाई क्या हो गया? लॉस जमीन पे आ गया भाई, अभी ये जमीन पे आ गया। नहीं कर यार, कितने में बेच रहा है माल? ग्राहक बैठा है, कितना माल दे रहा है सारा? देख बस आप इसे करो, 1,80,000 रुपए दे उठा। तू पागल है क्या? वो पागल का बच्चा समझता है क्या? तू खुद बोल रहा है मेरे को पूरा माल दे। 45,000 रुपए बताओ। तुमने बोला जमीन पे बैठ गया तू? मैंने क्यों जमीन पे, कुछ एक दिन तो जाना है सब जमीन पे। जमीन नहीं, फिलहाल तो तुम जमीन पे बैठ गए। काम करो ना, सिटिंग मीटिंग करो। नुकसान खा गया ना? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करो। क्यों अभी बात करो ना। तो पाव कितने का है तुम बताओ? अखरोट कितने का पाव है? पाव तेरे लिए। अरे तो काला पड़ेगा। ए भाई थैली काली पड़ी है यार, हम लोग मेहनत करे थैलियाँ चेंज करे ताकि माल हमारा न्यू हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। भाई अब देखे चने कहते दिख रहे, और इस वाली थैली में देख कहते पुराने पुराने लग रहे। तो अपने व्यूअर्स को बताओ, खान दे रहा है ये जो अखरोट है पाओ 350 के, ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है? बिल्कुल। तो भाई ये कमेंट करके आप लाजमी बताना 350 रुपए पाओ दे रहा है। आप कितने ले रहे हो भाई? मैं सोच रहा हूँ पाओ ले लूँ इससे। तो फाइनली आबिद भाई का जो है वो रेड़ा आ चुका है, बिल्कुल जो तैयार होके आ चुका है। हम देखते हैं वेल्डिंग जो है ना हमारे जो है वो गुलशेर भाई ने यहाँ से वेल्ड किया है, सिरिया जो है यहाँ से वेल्ड किया है, क्योंकि पहले सिरिया लगा हुआ नहीं था, इस वजह से जो है ना वो यहाँ से बार बार टूट जाता था। तो अभी जो है ना वो यहाँ से वेल्डिंग वगैरह की हुई और पट्टियाँ भी कस दिए ताकि ये अब मजबूत हो जाए। और आपको पता है हमारे आबिद भाई ने और भी माल मजीद लाया हुआ है, तो थोड़ा सा और वेट इसका बढ़ जाएगा, इस वजह से थोड़ा और मजबूत कर दिया है। गुलशेर भाई भाई यार वेल्डिंग करवाने आप कहाँ गए थे यार? आपकी दुकान में मैं गया, वहाँ पर तो आप थे ही नहीं भाई। भाईजान ये मसला ये लाइट का प्रॉब्लम चल रहा, लाइट थी नहीं इसलिए मैं पीछे गया था आबिद भाई का काम करने। अच्छा आबिद भाई यार काम आपने बिल्कुल ओके कर दिया आबिद भाई का। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।